वेलकम वेलकम रूबी की किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट शाही मलाई टुकड़े बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें, हमारे पास एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं और उसमें अब डाल देंगे हम 2 टेबलस्पून पानी। और अब इसमें हम डालेंगे, इसको हिला लेंगे पैंदे में और अब दूध डालेंगे। इस तरह दूध हमारा नीचे चिपकेगा नहीं। तो यहाँ हमारे पास 2 कप दूध है जिसमें से हम 1.25 कप डाल देंगे, यानी 4 टेबलस्पून इसमें से बचा लेंगे और इसको बॉयल होने देते हैं जब तक हम आ जाते हैं अपनी ब्रेड की स्लाइसेस की तरफ। तो यहाँ देखें मेरे पास 8 ब्रेड की स्लाइसेस है, तो इसके किनारे निकाल लेंगे। ये इतना झटपट बनने वाला बहुत मज़ेदार सा डिज़र्ट है, जब दिल चाहे। और चीज़ें भी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ इसमें नहीं पड़ती है, सारी घर की आइटम्स होती है और फिर मज़े का बनता है, बहुत फास्ट बनता है। और ये जो ब्रेड के साइड्स जो हम निकाल रहे हैं ना, ये ज़ाया ना करें, इसको ग्राइंड करके रोस्ट कर लें तो ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। और अगर ना करना हो तो इसी तरह पीस के और फ्रिज में रख देंगे, तब आपको इस तरह से भी काम आएंगे, लेकिन फिर फ्रिज में रखना होगा। तो ये हमारे किनारे सारे निकल गए, यहाँ दूध हमारा सिजल कर रहा है और आसपास से स्क्रेप करके ये जो भी मलाई वलाई निकल रही है ये दूध में ही डालते जाएंगे। फ्लैट बर्तन मैंने इसलिए लिया है तो इससे क्या होगा कि जल्दी पकेगा और जल्दी ठंडा होगा, और अगर डीप लेंगे तो देर में गर्म होगा, देर में सब कुछ होगा, ठंडा भी देर में होगा। और ये हमारा बड़ा क्विक डिज़र्ट है। तो बस ये इनफ हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो हमने 4 टेबलस्पून दूध बचा के रखा था ना, उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च कॉर्नफ्लोर। तो ये 2 टेबलस्पून है। और अब हम इसमें 2 कतरे जर्दे के रंग के डाल देंगे जो कि मेरे पास लिक्विड फॉर्म में है, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए कैसा खूबसूरत सा कलर आ गया है, ये अच्छे से घुल गया है। तो अब चूल्हे को थोड़ा सा स्लो करेंगे और इसमें एक हाथ से हम डालेंगे अपना कस्टर्ड का मिक्सचर और एक हाथ से हिलाते जाएंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून शक्कर। चूल्हा हमारा बिल्कुल स्लो है। तो बस ये अच्छे से हमारा कस्टर्ड जो है वो पक गया है, शुगर जो है वो डिसॉल्व हो गई है और कंसिस्टेंसी ये देखें इस तरह से रनी है, ये इस तरह की। तो एग्जैक्टली हमें ऐसा चाहिए। सेंटर में भी देखें बबल 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 आ गए। तो हम चूल्हे को बंद करते हैं और इसमें डालेंगे अराउंड 1 टेबलस्पून कतरी हुई बादाम। साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून के आसपास पिस्ते। और यहाँ हमारे पास है इलायची का पाउडर जो कि है 1/4 टीस्पून, और इनको अच्छे से मिला लेंगे। और अगर चाहें तो इसे किसी बर्तन में निकाल लें और चाहे तो इसी में ठंडा कर लें, जैसा आपकी मर्जी। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो एक एम्प्टी बर्तन में मेरे पास ये देखें टेबल क्रीम है, चूँकि हमारे पास मलाई नहीं होती है इस वजह से मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मलाई होती है तो वो जो नहीं दूध के ऊपर मोटी सी आ जाती है फ्रिज में रखने के वाली गाढ़ी सी थिक सी, मुझे याद आता अम्मी का घर तो वो मलाई बेसिकली आपको लेनी है। और अगर आपके पास ना हो तब आप इस तरह की टेबल क्रीम ले सकते हैं। अब इसकी टिप ये है कि मैंने इसको हिला कर फ्रिज में रख दिया था, रात में ही रख दिया था ताकि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी थिक हो जाए। तो अब इसको हम खोलते फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं। तो देखिए काफ़ी थिक सा हो गया। तो सबसे पहले हम इसमें से 2 टेबलस्पून लेके अपने कस्टर्ड में डाल देंगे, इससे रिच एंड क्रीमी हो जाएगा और ठंडा भी जल्दी से हो जाएगा। और इसको अच्छे से हिला लेंगे। और अब जो बाकी जो बचा है उसको हम अपने एक बर्तन में निकाल लेते हैं।
तो ये मेरा कैन है 7.6 FL ounce। तो बेसिकली आपको 3/4 cup मलाई हो या आधा कप से ज़्यादा हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो इसमें अब हम डालेंगे पाउडर शुगर जो कि है 2 tablespoon। थोड़ा सा इसको मीठा करेंगे। मिला लेंगे। डबल रोटी की स्लाइसेस को फैलाएंगे। और उस पर ये लगाएंगे। ये हो गया। अब इस पर हम थोड़े से बादाम, पिस्ते ये सब छिड़केंगे। थोड़े से पिस्ते भी डाल देंगे। और अगर आपको ना डालना हो, कुछ और डालना हो तो वो डाल दें, और कुछ भी नहीं डालना हो तब भी बड़ा अच्छा ही लगेगा। तो चले अब इसकी ये जो एक पोर्शन है ना वो लिड है, तो ये इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे। ये एक सर्विंग डिश ले आएंगे जो हमें चाहिए। तो ये जैसे मेरी ये रही, इसको रखेंगे। इसे हम अपनी मनपसंद शेप में काटेंगे। तो ये जैसे इस तरह से काटेंगे और इसको सर्विंग डिश में रखते जाएंगे। अब जैसे ये मेरी जो है मलाई नहीं है ना, क्रीम है, तो ये थिक होने के बाद भी अभी भी रनी है लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपका जैसे मलाई तो थोड़ी जमी हुई टाइप की होती है ना, तब आप क्या करें कि ये जब बना लेना तो इसको डबल रोटियों को थोड़ा थोड़ा मलाई जब लग जाए, बादाम पिस्ते भी लग जाए, थोड़ा थोड़ा दूध में हल्का हल्का डिप करके और फिर रखते जाएं इस तरह से, ताकि वो जूसियर हो जाए। और मेरा अभी मैसियर है बट इट्स जूसियर। और अब इसे हमें पोर कर देना है अपने मलाई टुकड़ों पे इस तरह से। और अब इसे हम गार्निश करेंगे। और थोड़ा सा अगर जाफरान है तो वो डाल देंगे। और ये रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारे ज़बरदस्त से मलाई शाही टुकड़े बन गए, मानते हैं? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। You are not going to believe कि आपके खुद ने अपने हाथों से 10-15 मिनट में कुछ ऐसी चीज़ बनाई है कि जिसमें आप खुद भी हैरान परेशान हैं। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है इतना सूदिंग, इतना मज़ेदार, इतना ऐसा लग रहा है टाइम टेकिंग कोई चीज़ मिठाई चटाई है। आप लोग के लिए तो बाइट बनता ही बनता है। माइंड ब्लोइंग। और इसको जब आप फ्रिज में रख देंगे ठंडा ठंडा हो जाएगा पूरा, डबल रोटी में एकदम लतपत मलाई हो जाएगी। ओहो, तो बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन बस ये याद रखिएगा कि मेरा जैसे थोड़ा सा थिन था ना, क्योंकि मैंने क्रीम यूज़ किया था टेबल क्रीम, और आपकी मलाई अगर सख्त हो तो जब सैंडविच बन गए तो हल्का सा बिल्कुल दूध में डिप करते हुए और फिर सर्विंग डिश में रखें, ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट रहे। बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाए बनाए, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल।
बाय, अल्लाह हाफिज़।